शुरू में कर ले सर, मैजिक डिजाइन बना दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, आज ब्लॉग में बने रहे और रास्ते में दिखाते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। तो मुझे तो पता नहीं होता कि ब्लॉग में ऐसे ही शूट कर देता हूँ जब भी मन होता है कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे देखने के लिए। आज जा रहा हूँ सुखाबाद। अभी ये बताओ सबसे पहले कि मैं कैसा लग रहा हूँ और बताओ मैं क्लीन शेप में कैसा लगता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये बताओगे। और अभी कुछ टाइमिंग हो रहा है 7:20, तो आज जा रहे हैं हम बाहर। और फिलहाल तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ और 11 कुछ 12 बजे कुछ निकलूँगा समथिंग, शायद कुछ भी टाइमिंग पर। और मुझे बैंक में भी कुछ काम है मेरे बड़े भाई को, तो वहाँ पर भी जाएंगे और फिर देखते हैं रास्ते में क्या होता है। चलो फिर चलते हैं अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सुखाबाद की तरफ और अभी निकला है, रास्ते में हैं। और अभी कुछ टाइमिंग हो रहा है कितना, 11:15, जैसा कि मैंने सुबह बताया था आपको वीडियो में, तो 11:15 हो रहा है टाइमिंग। तो फिलहाल अभी डल्ली हवा बाइक में और अभी इस साइड चलना है। और यहाँ पे पीछे लगा है बटेश्वर का ये बोर्ड। फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं बैंक और बड़े भाई का कुछ काम था इधर बैंक में, पीछे देख सकते हो आप। और अभी वहां पर गए थे तो वहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट मांगी है, तो वहीं पर बस कॉपी कराने के लिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। काफ़ी आज इतना ट्रैफिक है इधर ना, क्या बताएं, मार्केट में कितना ट्रैफिक होता है ना, समझ में नहीं आता कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल फ़ोटो स्टेट कराने सकते हैं हम। तो ये है फिलहाल हमारे बड़े भाई और बैंक में इन्हीं का काम था कुछ, तो उसी के सिलसिले में आए यहाँ पर हम। तो अभी फ़ोटो स्टेट, तो फिलहाल अभी फ़ोटो स्टेट करानी है यहाँ पे। बियर की दुकान, बियर की दुकान मिल गई है, तो बड़े भाई फोटो स्टेट कराने के लिए गए अभी अंदर। नीचे बड़े भाई फ़ोटो कॉपी करा रहे हैं अपनी, काफ़ी दूर चलने के बाद दुकान मिली है। तो फिलहाल अभी फ़ोटो स्टेट करा ली है और फिर दोबारा बैंक की तरफ चल रहे हैं। फ़ोटो स्टेट, फ़ोटो कॉपी, जो भी कहो, अरे कॉपी जो कह लें, गांव में ना कॉपी बोलते हैं ना सर, गांव में कॉपी निकलवा ली है। और चलते हैं फिर बैंक में, अब काम हो जाए फटाफट, फिर घर की तरफ भी निकलना है। बैंक दिखा दिखाएंगे भी फिर। सामने ये स्कूल दिखाई दे रहा है ना, कौन सा स्कूल है? SSJ कॉन्सेप्ट स्कूल, उसी के अंदर बैंक है। और जो भी वो दिखाई दे रहा है ना ब्लू ब्लू, वहाँ पे कोई बैंक है कैनरा बैंक, उसी में काम है। तो कराएंगे अभी फिलहाल। देखो ये स्कूल बड़ा खतरनाक है सर, घर भी है क्या इसमें? सब कुछ है, कम इसमें सब कुछ है। तो फिलहाल ये अपनी बाइक है। फिलहाल अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, काम वाम हो गया है और KYC का फॉर्म भर दिया है, KYC करानी थी वो दे दिए, फोटो स्टेट सब चीज़। और फिलहाल अभी हम घर की तरफ चल रहे हैं, तो फिलहाल कभी भूख सूख लगी है तो कुछ खाते हैं रास्ते में चल के, और देखते हैं क्या खाते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। भाई बाइक को निकालने की तैयारी में लगे हैं, निकाल लीजिए सर। काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, देख सकते हो स्कूल, देखो कितना बड़ा है, देखो गाड़ी। अभी तो फिलहाल बैठते हैं फिर देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। सर इतना लंबा क्यों पड़ा था, मेरी समझ नहीं आता। बन सर क्या लगता है? फिलहाल अभी आ गए हम शास्त्री पिज्जा,
तो यहीं पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन। हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम फिलहाल अभी पिज़्ज़ा खाने आ रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बहुत टाइम पहले खाया था पिज़्ज़ा, और अभी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अभी अंदर आ गए हैं और अंदर बैठा देख सकते हो पीछे कितना बढ़िया लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ शायद इस साइड, सुबह खाया है अपने गांव में पिज़्ज़ा जो भी नॉर्मल बनता है केरल पर, वो खाया है और काफ़ी है। इधर आवाज़ गूंज रही है बहुत तेज। देख रहे हैं मेनू कार्ड, देख रहे हैं तो बोल रहे हैं इसमें कौन सा पिज़्ज़ा है कौन सा पास्ता, समझ में नहीं आ रहा एक ही पास्ता। कर दिया ऑर्डर सर। सर इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी ना, क्या है ये मर गए क्या है क्या लिखा है डबल चीज़ की लाइट सर लगा दीजिए ना। अरे थोड़ा सा समोसा कर लो सर। देख रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ कैसी मिलती है मौसम वाली। वाह सर मौज है सर, नई नई जगह पे आ गए, नई नई चीज़ों को देखना अजीब सा लगता है, यहाँ शोर नहीं कर सकते इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अरे सर शोर नहीं कर सकते इधर सर ये। हाँ सर ये बल्ब ऐसा सीन लग रहा है ना सर, है ना सर। इसमें थम्स अप मिली हुई है सर, चुपका चूना लगा दें तुमको। सर वेट में लग रहा सर। इसका तो हमें इंतज़ार, वो हमारे आंखों के सामने आ गया है, तो फिलहाल अभी ये पिज़्ज़ा आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं। और अब रुका नहीं जा रहा बस, क्यों सर अब रुका नहीं जा रहा ना, देख सकते हो। जो भी चीज़ है सॉस और ये क्या पता नहीं चिली विली मिर्च विर्ची होते हैं सब कुछ डालना पड़ता है, मतलब बहुत खा रहे ज़्यादा मिर्ची तो नहीं लगी, ऐसे होता है नॉर्मल ठीक है। टमाटो केचप और चिली फ्लेक्स अब वेट नहीं हो रहा है हम लोग सर का, तो सारा चीज़ डाल लीजिए। नहीं सर मैदी की डिजाइन बना दो। और संभाल है सर मस्त। बड़ा मस्त है सर। क्या ये मशरूम लगाऊं, ये साइड से दिख रही है ना ये सब बड़ा सा लगा हुआ है, ये मशरूम है एकदम मस्त अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिलहाल अभी सर अभी बिलिंग कराने गए हैं, देखते हैं घर की तरफ चल रहे हैं और काफ़ी टेस्टी था मज़ा आया। सर कितने का बिलिंग हुआ था, कितने का बिलिंग? 300। ओह माय गॉड, हाँ वहाँ का अपन यहाँ पे हाँ मैं रह के 5 रुपये की चावल खा लेते हैं, मौज आ जाती है उससे। 300 का लग गया कमाल है सर। चलो फिर अभी घर की तरफ चलते हैं और काफ़ी अच्छा है, देखो ये सुखाबाद के अंदर बनाया है शास्त्री पिज़्ज़ा, काफ़ी मस्त है, आना तो कभी खाओ यहाँ पर आके, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए।
है, समझ आ गया। अभी चलते हैं हम घर की तरफ और काफ़ी मौज आ गई आज तो भैया, मौसम लग गया भाई। पैसे लगते हैं थोड़ा बहुत, पर खाने का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है ऐसे समय पे। नो सर, सही कह रहे हैं ना? यस सर, मौज आ जाती है। तो भाई मौज आ गई, बहुत दिनों बाद खाने को मिला। मैं तो अपने गांव-गांव में ही खाता रहता था, पिज्जा तो शायद पहली बार ही खाया है। और तो भाई बस कसम से मज़ा आ गया आज तो, लाजवाब। मन तो एक और आता है एक और ले ले, पर गरीब हूँ मैं, बहुत दिक्कत हो जाती है गरीब गरीब से। कोई ना, समय आने तो सर, सब कुछ होगा। अपना भी एक कैफे बनवाएंगे सर, वही तो है ना सर, वो सर वैसा चलता फिरता वाला कैफे बनवाएंगे यार। ओ फाइनली अब सब्सक्राइब है, यस सब्सक्राइब कर देना भाई, जो भी नए देख रहे हैं चैनल को, लाइक कमेंट शेयर एज ऑलवेज। हाँ, और ऐसे जानवरों से भाई प्यार करते रहा करो, कितने मासूम से होते हैं ये। और वीडियो को भाई लाइक तो कर ही दिया करो, खुश तो कर दिया करो थोड़ा बहुत। मेरे से कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, आपसे नहीं, सभी से कहता हूँ मैं तो, जो साथ में बंदे हैं लाइक वाइक कर दिया करें। और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय कर देने, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और ये ब्लॉग सच में अब यहीं ख़त्म हो जाएगा पक्का।